सिविल अस्पताल पठानकोट में लगातार चल रही जरूरी सामान और दवाइयों की कमी को देखते हुए आज सिविल सर्जन डॉक्टर अदिति सलारिया ने इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ SMO डॉक्टर सुनील चंद और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इमरजेंसी वार्ड का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अदिति सलारिया ने कहा कि जिला अस्पताल पठानकोट अपने जिले के लोगों के साथ साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मरीजों को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार एक तिहाई मरीज पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दवाइयों की कमी है उनको जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि अस्पताल के अधिकतर डॉक्टर मरीजों को निजी कंपनियों की महंगी दवाइयां लेकर दे रहे हैं, जबकि वह सरकारी निर्देशों के अनुसार केवल दवाइयों का सॉल्ट ही लेकर दे सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें बहुत ही महंगे दामों पर बाजार से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये मामला उनके ध्यान में आ गया है। इसके संबंध में पहले ही SMO को लिखती रूप में दिया जा चुका है। अगर फिर भी कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उनको भी बता दिया जाएगा। डेली में खावे की ना ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਂਡਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਖਾਲੇ ਨੂੰ ਅਖਾ ਪਾਣੀ ਪਾਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜ ਆਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਖੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे अलग अलग विंग्स जिवें एमरजेंसी में आई हाँ मेरे प्रोग्राम ऑफिसर अलग अलग जगह पर हमेशा तो ही करते आ रहे हैं थोड़ी जी सुपरविजन एंड इट इज़ अ सपोर्टिव सुपरविजन मेरे ध्यान में लिया गया सीगा कि कुछ सिरिंजिस दी या कुछ सूचरिंग मटीरियल दी कमी है मैं तुहानू ये भी दसना चाहनी हाँ कि साड़ी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट है इहदी एमरजेंसी हो गई या OPD हो गई या इनडोर हो गया इहदे विच जिहड़ा फुटफॉल है दूसरे स्टेट हिमाचल प्रदेश तो बहुत सारा पेशेंट है आंकड़े के हिसाब के नाल लास्ट मंथ सपटेंबर की जिहड़ी साड़ी इनडोर OPD ते एमरजेंसी मिला के 18-19 हज़ार पेशेंट इत्थे आया है न्यूज़ ही मैं पढ़ रही थी कि न्यूज़पेपर ने एक चीज़ कवर की है कि साडे डिस्ट्रिक्ट दे विच पठानकोट जिला हस्पताल दे विच दूसरे जिले ते दूसरे स्टेट तो जिहड़ा एक तिहाई पेशेंट उत्थों आंदा है सो असी सर्विसिज जिहड़ियां ने J&K और हिमाचल प्रदेश और पंजाब असी 3 स्टेट्स नू दे रहे हैं ज़्यादातर दवाइया जिहड़ियां बाहर दी लिखियां जांदियां जी ते जन औषधि तों घट लिखियां जांदियां ये तुसीं हुण मेरे ध्यान च दवाइयां नू ही देख लिया जाएगा समो नू असी लैटर कढ दांगे कि अपने जिहड़े स्पेशलिस्ट ने वो जिहड़ी मेडिसिन है अंदर जेनरिक ही लिखन क्योंकि डॉक्टरों को साल्ट लिखना चाहिए हाँ जी जेनरिक लिखना हाँ कुछ एक मेरे ध्यान च होणगे तो उन्होंने डॉक्टर्स नू भी कह दिता जाएगा ठीक है लिखती रूप से मैं समा नू भी बड़ी बारी असी लिख के दिता हो कि बाहर दी मेडिसिन ना लिखना